पर जो कुछ लोग है जिसे हम हेटर्स बोलते हैं उनके लिए ये है कि भाई जलो मत बराबरी करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू फैमिली, क्या हाल चाल, आप सबका स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो आदिल्स व्लॉग में। तो गाइस फिर से एक नया मुकबैंग के साथ आ चुका हूँ आप लोगों के लिए, एक जबरदस्त और स्पेशल मुकबैंग। तो हिट लाइक बटन, शेयर कर दो जिसने अभी तक नहीं किया, कमेंट एंड लाइक द वीडियो गाइस अगर आप लोगों को पसंद आती है तो। और गाइस आज के स्पेशल मेरे पास क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। और गाइस बहुत बातें करनी है आप लोगों से, मेरे चेहरे पे आप लोगों को खुशी दिख रहा होगा खाने के लिए, पर उसी के साथ साथ कुछ है जो आप लोग देखते जाओ आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यस गाइस उसी के साथ मेरे पास है, आज है मेरे पास सलाड्स के साथ मेरे पास है दो चपाती है गाइस, घर में बनाया हुआ चपाती है, पराठा नहीं है चपाती है। और सबसे स्पेशल मेरे पास है गाइस एग करी जो घर में बनी है और बहुत ज़्यादा लजीज है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये पल का इंतजार कर रहा था कि मुकबैंग करूँ और आप लोगों को बताऊँ। और मेरे पास कुछ किंग रखी है, किंग मतलब राइस रखी है जो कि ट्राई करूँगा इसके साथ में। मेरे पास है ऑरेंज जूस, शुगर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गाइस चपाती का साइज देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट करते हैं, सुबह से भूखा रहने के बाद इस पल का इंतजार था। और यस कुछ ऐसा बाइट दिख रहा है आप लोगों को, कंसिस्टेंसी चेक करो। बिस्मिल्लाह, एक का पीस देखो। और गाइस ये इंडियन स्टाइल करिए, स्पाइसी इंडियन स्टाइल करिए, पूरा इंडियन है गाइस, ये चेक करो। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि मेरा नया जगह कैसा लग रहा है। वो वाला था उसमें बैकग्राउंड इतना खास नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें मतलब चेंज किया बैकग्राउंड, थोड़ा सा कुछ अलग किया। तो आप लोग बताना कि कैसा हो रहा है, चेक करो गाइस कंसिस्टेंसी। बस एक मेन बात आप लोगों से शेयर करनी है, मेरे इर्द गिर्द बहुत लोग हैं जो YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं, लाजिम नहीं है मुकबैंग हो, वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, तो वो लोग चालू करना चाहते हैं YouTube चैनल। और वो कुछ भी हो सकता है, टेक का हो सकता है, मुकबैंग का हो सकता है, व्लॉग हो सकते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं जो शुरू करना चाहते हैं व्लॉग्स वगैरह। तो उन्हें मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक कंसिस्टेंसी चेक करो। मैं उन्हें एक बात कहना चाहता हूं, देखो भाई आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ मेहनत करनी है, आपका गोल है, आप फोकस कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके सराउंडिंग्स में कि आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं देगा, वो लोग जलते हैं, मतलब आप लोग को पता चल जाता है। आप लोग जब अभी मैं जो कह रहा हूँ शायद आप लोग को बात समझ में नहीं आया है, अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो, आस पड़ोस जो होते हैं ना रिश्तेदार, मेनली मैं रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ, तो लोग जरूरी नहीं कि वो रिश्तेदार हो, पड़ोसी भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तो मतलब वो लोग कोई आगे बढ़ता है ना तो जलते जरूर है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो ये सब को आपको इग्नोर मारना है और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा ऐसे काके।
तो मैंने मेन मोटिव ये सब बात करने का इसलिए था कि भाई आपको डिप्रेशन होगी, आपको स्ट्रगल, ये आपकी स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, जैसे मेरा भी स्ट्रगल पीरियड चल रही है, कैमरा हिल गया सॉरी, मेरा भी ये स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, तो आपका भी स्ट्रगल पीरियड चलेगा अगर आप कुछ कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस हो या यूट्यूब प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो, टिकटॉक इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, कहां भी आप लोग काम कर रहे हो ना, तो आप लोग के इर्द गिर्द में ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। ये चक्कर हो एक्सरसाइज दे, परफेक्टली कुक्ड। गिरे हो गए इतने आराम से अलग हो रहे हैं। तो मैं कहा था, तो ये बात मैं बोल रहा हूं आप लोग को कि आप लोग को सबको इग्नोर मारना है और आगे बढ़ना है। और मेन बात ये था कि मेरा ये व्लॉग बनाने का मकसद ही यही था, मेरा ये व्लॉग बनाने का मकसद ही यही था कि आप लोग तक मैं ये पहुंचाऊं। मेरे स्ट्रगल पीरियड चल रहे हैं, मैं खा रहा हूँ, देखो नॉर्मली मैं खाता हूँ, मैं आप लोग व्लॉग में देख रहे होंगे कि मैं इतना ज्यादा नहीं खाता हूँ, कुछ बच जाती है ऑफ कोर्स, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ आप लोग को कि हाँ भाई मुकबैंग वगैरह, ये बहुत लोग देखते हैं मेरे वीडियोस, और मेरे बहुत हेटर्स भी है, मेरे बहुत लवर्स भी है, बहुत सपोर्टर्स है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। जिसकी जलती नहीं है ना वो लोग गाइस मेरे दोस्त लोग हो गए, और भी बहुत सब्सक्राइबर्स है मेरे, डीएम करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि भाई आप सही जा रहे हो और आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, ऐसे बोलते हैं। पर जो कुछ लोग हैं जिसे हम हेटर्स बोलते हैं, उनके लिए ये है कि भाई जलो मत, बराबरी करो। एक करी में गाइस, एग को तो सही से बॉईल करके फिर डाला है, बहुत ही ज्यादा लजीज इंडियन स्टाइल में गाइस, इंडियन स्टाइल का फूड माशाल्लाह लजीज। एज ए पाकिस्तानी मुझे इंडियन फूड्स बेस्ट लगते हैं, बेस्ट मतलब, बेस्ट मतलब टॉप नॉच। गाइस इसमें जो ये डाला है ना आलू टाइप, ये फ्रेंच फ्राइज है, इसको फ्राई करके फिर करी में मिक्स किया गया है, जिससे इसका टेस्ट लेवल अप हो रहा है। लजीज, कोई हेट नहीं पहला रहा गाइस, जो ट्रूथ है वही बोल रहा हूं, ये हर एक के साथ हुआ है, मेरे साथ तो काफी बार हुआ है। बट मैंने सोचा उस टाइम, तो मैं उस टाइम भी मैं यूट्यूब चलाता था, बट मेरे इतना कोई फॉलोअर्स नहीं थे, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मेरे 2.7 2.8 के फॉलोअर्स हो गए हैं, तो मैं आई गेस बता सकता हूँ। अभी भी रुकना नहीं है, आगे जाते रहना है, और आगे जाएंगे इंशाल्लाह, और ऊपर जाऊंगा, मैं सारे हदें पार कर दूंगा, जितना भी मुश्किल आई, जितना भी मुश्किल आएगी मैं रेडी हूँ उस सबको फेस करने के लिए, और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार इसी तरह बरकरार रखना। बड़ा से एक्सरसाइज रखते हैं, थोड़ा सा पुदीना रखते हैं, कुछ ऐसा बाइट बन रहा है, लेट्स गो फॉर अ बिग बाइट।
किंग के साथ देखते हैं, चावल के साथ देखते हैं कि कैसा टेस्ट होता है। बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहला यहाँ डालेंगे राइस थोड़ा सा। ओके, बाकी रख देंगे, बस चम्मच है ये देखो, इसके ऊपर डालते हैं, ऊपर डालते हैं। ओके, चलो देखते हैं कि क्या टेस्ट होता है, क्या वाकई पे रोटी के साथ जो टेस्ट था चावल के साथ दे पाएगा या नहीं, देखते हैं। अरे एक सेकंड यार, परेशान करके रख दिया इसने तो, इसको यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ। चलो देखते हैं कि रोटी के साथ जो टेस्ट दे रहा था ये करी, क्या चावल के साथ देगा। ओए होए, ये क्या था, ये बाइट चेक करो, लेट्स गो। भाई मजाक मत कर यार, यार क्या टेस्ट दे रहा है, चेक करो गाइस बाइट। तो यही बात है गाइस, जो भी मैंने बोला वो इसको हेट के लिए नहीं है, पर ये फैक्ट है, सबके साथ होता है, मेरे साथ होता है, मेरे साथ हो रहा है। तो ये आप लोग को सबको इग्नोर मारना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, बिंदास आगे बढ़ो, सबको इग्नोर मारो। आप हो, आपका गोल है और आपका अल्लाह है, इंशाल्लाह। आप दुआ करो कि आप सीधे जाओ अपने गोल पे, इतना जल्दी अचीव करो, अल्लाह भी आपका साथ देगा। अच्छी नीयत रखो, ये और ये बाइट चेक करो और ये बाइट खाओ। ओए होए गाइस, रमजान करीम आप सबको एडवांस में, रमजान आने से पहले मुझे तरीके करना है जैसे तैसे, मैं नहीं जानता कैसे, पर आप लोग को करना पड़ेगा तरीके, तरीके करो। बहुत मजा आएगा, तो यस गाइस यही तक रहता है वीडियो को, आज का मुकबैंग में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खिलाया, चावल के साथ भी मैंने खाया, रोटी के साथ भी मैंने खाया, सबसे ज्यादा बेस्ट टेस्ट चावल के साथ, टॉप नॉच था। आई विल कैच यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस, सलाम वालेकुम, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे, बाय बाय।